दुनिया को एहसास हो सके कि सिर्फ गरीब इबादत नहीं करता, ऐसे सजे बने लोग भी इबादत करते हैं और मस्जिद में सचकर क्या कहना चाहे, कोई ना कोई सबब तो होगा।
जिसकी वजह से वसीम रिजवी के मुंह से ऐसे जुमले निकले जैसे कलेमा हो गए। वसीम रिजवी किसी एक कलिए का आदमी है, किसी एक शहर का आदमी है, किसी एक कौम का आदमी है, किसी एक जमात का इंसान। ये रंग, ये मिजाज किसी में भी पैदा हो सकता है कि वो कुरान मजीद के खिलाफ बोले, अहले बैत के खिलाफ जबान बोले, या उलमा के खिलाफ जबान बोले। ये किसी में भी पैदा हो सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्यों? सोचिएगा, वसीम रिजवी कुरान मजीद के खिलाफ बोला, ये आपको बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा, मगर क्या आपकी नजर उन लोगों पर नहीं है जिन्होंने कुरान मजीद को तोड़े बरसाए? क्या उन लोगों पर आपकी नजर नहीं है कि कुरान मजीद को खड़ा करके उन्होंने तीर बरसाए कुरान पर? क्या उन लोगों पर आपकी नजर नहीं है कि जिन्होंने कुरान मजीद में आग लगाई? क्या उन लोगों पर आपकी नजर नहीं है कि जिन्होंने कुरान मजीद को बुरा भला कहा? वो लोग कौन थे, ये आदमी कौन है? अगर नहीं सोचा तो ये वसीम रिजवी कहीं भी पैदा हो सकता है, कभी भी कुरान मजीद के खिलाफ हुआ जा सकता है। बहुत से लोग ऐसे नहीं है जो कुरान मजीद की कसमें खाकर कुरान मजीद को मुकर गए हैं? क्या आपके समाज में ऐसे लोग नहीं पाए जाते जो कुरान मजीद से इतनी नफरत करते हैं कि वो कुरान मजीद को खोलकर देखना भी नहीं चाहते? तो क्या इसका मतलब यह कि वसीम रिजवी तो किसी भी समाज में पैदा हो सकता है, मगर क्यों पैदा हो रहा है ये सुनिए। जिसके जिस्म में मुसलसल हराम माल जाता रहेगा, उसकी शिकर कुरान में आ जाती है। वाह वाह वाह, जमा करता रहेगा, एक दिन उसका नतीजा यही पर पहुंचेगा। देखिए, मैं एक लफ्ज कहूंगा, आज से 8 साल पहले भी वसीम रिजवी वसीम रिजवी था, मगर अब क्यों बोला? इसका मतलब यह कि अब गुनाह इस मंजिल पे आ गए कि पहले ईमान के खिलाफ था, अब कुरान के खिलाफ हुआ। तवज्जो दीजिएगा, मैं आपसे पहले से कहता चला आ रहा हूं कि जो ताश खेल रहे हैं उनका नतीजा एक दिन गुनाह में इतना पड़ जाएगा कि वो हराम गुनाह करेंगे। जो जुआ खेल रहे हैं वो जुआ खेलते खेलते एक दिन कत्ल भी करेंगे। जो कत्ल कर रहे हैं एक दिन करते करते समाज का कत्ल करेंगे। जो समाज को कत्ल करने में कामयाब हो चुके हैं वो एक दिन कुरान को कत्ल करेंगे। अगर गुनाह सकीफा में ना हुआ होता तो करबला वाकई ही ना होती। छोड़ छेड़ कर अपनी औकात जाहिर कर दी। आज सारे उन्होंने
वाह उसे ये चाहिए था, उसे कुरान से मोहब्बत है ना अपना, वो कुरान से कुछ नहीं चाहता था, उसे अपनी एडवर्टाइज चाहिए। और जिनके लिए वो काम कर रहा था वो भी आपकी समझ में आ गया कि जिनके लिए वो काम कर रहा था, जो कुरान के मुखालिफ थे उन्होंने उसे मोहरा बनाया। इसका मतलब ये कि दुनिया में अगर एक वसीम रिज़वी का चेहरा सामने आ सकता है तो समाज के हर गली कूचे में वसीम रिज़वी मौजूद है। कोई करोड़ों में बिकता है, कोई सैकड़ों में बिकता है। कोई करोड़ों में लिखता है, कोई सैकड़ों में लिखता है, जिसकी जितनी औकात है वो उतने ही में लिखने वाले मौजूद हैं। तो अल्लाह कहता है कि खुशू जीनतों को मिलता खुलने बचे है हमारे शियो, तुम हमारे लिए जीनत का सबब बनना, जीनत का सबब। अजीजो जीनत बहुत कुछ रह जाती है अगर हमारे चौथे इमाम का नाम हुसैन का। कुलवा और है जिसकी बेटियां अपने बाप के लिए जीनत का सवाल।
आपके लिए जिल्लत का सबब बने, मगर ये मुमकिन नहीं है कि ईमान की बेटी अपने बाप के लिए जिल्लत का सबब ना बने। अहले बैत खत्म हो जाता अगर दुनिया में दो शख्सियतों
ये जानना पड़ेगा कि अब्बास कैसे हैं। जाहिर सी बात है, अगर अब्बास बहादुर है तो जिसका गैर मासूम ऐसा है उसका मासूम कैसा होगा? जो अली के घर में पैदा हुआ जब वो ऐसा है तो जो खुदा के घर में पैदा हुआ वो कैसा है? जब बेटा बात आपको बता रहा हूं और बड़ी अजीब बात।
दुनिया का कोई भी मत हो, इंसानियत की दुनिया में खेती लगाना मर्द का काम है, उसको हरा भरा करना औरत का काम। मिसाल थोड़ा खेत की तरफ चलेंगे, लेकिन ये खेत गेहूं की खेती नहीं है, ये इंसानियत की खेती है। Come on.
इमाम को जनाबे जैनब बचा कर ले। मैं कभी कभी कहता हूँ कि जनाबे जैनब की अज़मत को समझना मामूली नहीं हो सकता। खुदा ने अपना दीन हुसैन को दिया था, हुसैन ने अपना घर जैनब को दिया। जिसके सुपुर्द आसारे इमामत करके गए थे मौला, उसको जनाबे जैनब बचा कर लाए ताकि दुनिया को पता चल जाए कि इमामत बचाना, दीन बचाना, शरीयत बचाना सैयद सज्जाद का काम है। सैयद सज्जाद को बचाना मेरा। मैं आपसे कहता हूं कि दसियों बीसियों सनों सैकड़ों औरतें आपके समाज से गुजरी है जिन्होंने सारे रास्ते टूट जाने के बाद अपनी औलादों को पार कर जवान कर और जवान करके समाज को ये दिखला दिया कि जो कल खत्म हो गया था वो रिश्ता आज भी था। तो तवज्जो रखिएगा, जब उसी का जवान बेटा मैदान में आया तब पता चला कि एक औरत ने घर में रहकर जो मेहनत की है वो जवानी की शक्ल में सामने आ गई है। बाप तो चला गया था, दौलत के रिश्ते टूट गए थे, मगर औलाद को जवान करना ये औरत का काम होता है, औरत का काम। मैं एकदम कहा करता हूँ कि औरत मोहब्बत की बेस पर जिंदा नहीं रहती, मोहब्बत की बेस पर जिंदा रहती। खालिक कायनात ने इसके दिल में अपने बच्चों के प्रति एक मोहब्बत पैदा करती है, उस मोहब्बत का काम होता है बच्चे नुकसान देता रहे वो बच्चों को फायदा दे, वो बच्चों को बर्बाद चढ़ाती है। बच्चे चाहे उसे कुछ भी कहते रहे, जो अमां अपने बच्चों के सुकून की तलाश में रहती है उसे मां कहती है। जो हम बाप अपने बच्चों के सुकून की तलाश में रहती है उसे माँ कहते हैं। अजीजो मैं ये लफ्ज कहता हूँ कि किसी भी दुनिया के अंदर, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, अगर आपको तरक्कियां करनी है तो अपनी माओ को जाकर सुकून दीजिए। जिस मैदान में आपको तरक्की करनी है माओ को जाकर सुकून दीजिए। रसूल इस्लाम के पास एक आदमी आता है, वाले के पास में कहता है
वरना अगर जहालत पूरी हो गई तो अजीब वरीब हालात पैदा हो जाएंगे। जैसा किसी की बुद्धि को जब जहालत के साथ बुढ़ापा आता है तो बड़ा अजीब होता ही होता है। ऐसी बात तो बुढ़ा तो मर जाने की तो है, ज्यादा जहालत भी उसकी अजीब हो गई, जहालत भी पूरी हो गई। तो अभी तो चार बच्चे अपने बाप को मीटिंग करके लेके जाते इसे नहर में फेंके और वो भागे नहीं, इसलिए उसके पैर हाथों को सरकार से बांध दिए। जब लेके चले तो उसने रस्ते में कहा कि बच्चों जरा अपने नीचे रखो, अपनी जीने की तमन्ना है, हमसे बात करके मैं बहकाना चाहती हूँ, हम तो फेंक कर ही आए और नहर में फेंक देना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो चाहो क्या जब फेंकना तो जरा बीच में फेंकना, गहराई में फेंकना, इसलिए कि मैं अपने बाप को किनारे ही तो फेंका। ओए होए 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 क्या करता हूँ, जब उनके बीच में फेंकोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हें कहाँ ऐसा नहीं है, इसे आप ही कर रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं कर रहा है। अपनी आंखों से तो मनाफिक देखने को मिलती है, अपनी आंखों से तो मनाफिक देखने को मिलती है। जो आप देख रहे हैं दीन एक हकीकत का नाम है, शरीयत एक सच्चाई का नाम है, इस्लाम एक अटल हकीकत है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूं कि रोबे जवानी बुढ़ापे की आंख का एक ऐलान भी है, रोबे जवानी बुढ़ापे की आंख का एक ऐलान भी है। जब बाल सफेद होने लगते हैं तब कलर याद आता, जब दांत खिलने लगते हैं तब रोटियां याद आती, जब आंखों की कमजोरी हो जाती है तब आगे टिपटा टिपटा के देखता है कि क्या हो रहा है। तो बाल सफेद होते दिमाग में भूल पैदा हो गई, आंखों में कमजोरी आ गई, यहां तक कि लज्जा पैदा होने लगा, अब पट्टी पकड़ कर उठते थे, अब कह रहे उठाओ पट्टी ने सहारा छोड़ दिया। ये सब क्या हो रहा है? अगर दुनिया चाहतों पर चला करती थी ये होता ही नहीं, अगर दुनिया अरमान पर चला करती थी ये होता ही नहीं, अगर दुनिया इंसान की तमन्ना के मुताबिक चलती तो ये होता ही नहीं। ये होता ही इसलिए कि अल्लाह हर आदमी को जताना चाहता है जिंदगी तुम्हारे पास है, कंट्रोल हमारे पास है। बेशक अब तक तो मरने वाले ये कह रहे हैं बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, जब बुढ़ापा मुकम्मल हो रहा तो कहां जाओ, तब तो कहीं जा रहे। ज्यादा इस्लाम को भुलाया नहीं जा सकता, शरीयत को फरामोश नहीं किया जा सकता। और अब मैं कह रहा करता हूं कि अगर इस दुनिया के अंदर तुम ये चाहते हो कि शरीयत तुम्हें फायदा दे तो तुम तलाश करो कि अल्लाह क्या कहता है, तो सुनो बेशक। मैं उस समाज से ये भी कहूंगा जो मैंने इतनी बड़ी मजलिस पढ़ी ली है, तो इस समाज से कहूंगा कि कभी कभी अल्लाह की तरफ भी देख लिया करो कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। एक आयत सुनो सूरह मुनाफिकून की आयत है, इत्तफाक इत्तफाक सूरह मुनाफिकून की आयत जो भी ऐसा करेगा फौला वो घाटा उठाने वालों से फरमाते या तो ये आगे चलकर दुश्मन खुदा निकलेगा।
से लोग इस दुनिया के अंदर जो अपनी औलादों के लिए भरोसा अपने परवरदिगार पे करते हैं, अपने परवरदिगार पे करते हैं। अजान के बाद की दुआ की बात हूँ मैं शिकार हूँ अपने शारों को औलादी अपराध ये मेरे परवरदिगार मेरी औलाद को नेक बनाना। मैं कभी कभी कहता हूं तुमसे कि तुम सोच लो कहीं नू बन के आवाज ना देते रह जाओ कि बेटा मेरे साथ आ जा। एक सरदार पढ़ते मोहम्मद वाले Thank you.
जनाब उम्मे फातिमा ने जवाब दिया, बेटा इसलिए कि वो फातिमा का नाम है, तुम उम्मे फातिमा के बेटे हो, इसलिए तुम्हें हुसैन को कुर्बान होना है। अजीबो मेरा मौसू ना है और सुने जहां मैं इसमें तमाम कर दिया करता हूँ, अक्सर बेचता मैंने मजमा मुझे बच्चे होता है था आशूर की इसी शब्द में तड़पती हुई जनाब सकीना इमाम हुसैन के पास आई और इमाम हुसैन के पास आने के बाद में एक जुमला कहा तो बयान फेज है, हजारों मसीहों का एक मसीहा है। जनाब सकीना अपने बाप की आंखों में आके डाल के उनकी आंखों से देख के कहती है, बाबा यहाँ से कहीं और माफ़ कीजिए।